आज देखने वाले हैं हम राष्ट्रीय आय से संबंधित जो समुच्चय होते हैं वो, यानी कि इससे रिलेटेड एग्रीगेट्स। इससे पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अगर आपने अच्छे से नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, ताकि वो अगर देख लिया तो आपको ये समझ में जल्दी से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हम, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है राष्ट्रीय आय से नेशनल इनकम से रिलेटेड, और जो क्वेश्चन हमारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना है और बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय होती क्या है ये हमें देख लेना है। तो देखिए, नेशनल इनकम जो है वो एक देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। यहां मौद्रिक मूल्य क्या है, मौद्रिक मूल्य का मतलब जो प्रचलित बाजार कीमत है, उस बाजार कीमत पर उस उत्पादन का मूल्य क्या हो रहा है उसका हम योग कर लेंगे तो वो नेशनल इनकम कहलाएगी, नॉर्मली आपके जब देखनी हो तो, ठीक है ना। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक देश की आय, तो वो एक देश की आय निकलेगी कैसे, वो निकलेगी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से, ठीक है ना। तो वही मैंने यहां पर लेकर किए, तो उसी पर चलते हैं आज हम। तो देख लेते हैं सबसे पहले होती क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये राष्ट्रीय आय जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, कब हुआ, और क्या क्या चीजें हुई स्टार्टिंग में, कुछ फैक्ट, ताकि आपको ध्यान रहे और उसमें से भी आपके जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके इकोनॉमिक्स में भी एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो फैक्ट भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, एक वर्ष में, है ना। अब देखिए, एक वर्ष क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि एक वर्ष अधिकतर हमारे इंडिया में, हर देश में एक वर्ष की अवधि होती है, लेकिन हमारे देश में इंडिया में जो अवधि होती है वो होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो वो एक वर्ष हमें यहाँ पे लेना है, ठीक है ना। और आपको एक चीज और पता चल गई, यहाँ पर एक वर्ष यानी समय अवधि आ रही है, यानी राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय प्रवाह है, फ्लो है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। एक वर्ष में देश के निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा, अब यहाँ पर अंतिम वस्तु और सेवा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर हम मध्यवर्ती वस्तु को काउंट कर लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तु बनाने में भी काम आती है, इसलिए हम यहाँ पे अंतिम वस्तु ही लेंगे, ठीक है ना। कि शुद्ध मात्रा के प्रचलित बाजार कीमत, है ना, प्रचलित यानी उस मात्रा, जो भी मात्रा आई है उस मात्रा की प्रचलित बाजार कीमत जो है उसमें उसका मूल्य निकाल के और उस देश की मुद्रा में व्यक्त मूल्यों का योग कर देंगे, यानी मूल्य निकाल के मूल्यों का योग कर देंगे, वही कहलाएगी हमारी राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, नॉर्मली नेशनल इनकम का अर्थ आपको इस तरीके से निकालना है। ये अर्थ मैंने जो है बहुत सारी जो डेफिनेशन थी नेशनल इनकम की उसी से निकाला है, एक इजी लैंग्वेज में जो अर्थ हो सकता है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। वो जो डेफिनेशन थी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि उन डेफिनेशन में मेन क्या कहा गया है, क्योंकि पूरी की पूरी डेफिनेशन आप सबकी सब याद नहीं कर पाओगे, एक तो आपको याद रखनी है, उसमें कौन सी याद रखनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं ये राष्ट्रीय आय वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो सबसे पहले प्रयोग किया भारत में, वो किया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने। आपने नाम सुना होगा दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था 1868 में। कब किया था, 1868 में इन्होंने राष्ट्रीय आय शब्द का प्रयोग स्वतंत्रता से पहले 1868 में किया था, और इन्होंने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था लगभग 300 के आसपास, कुछ अनुमान लगाया था 341 या फिर कुछ ऐसा कुछ, ठीक है ना, ये भी फैक्ट है। दूसरा, जो सबसे पहले आर्थिक वृद्धि की गणना में राष्ट्रीय आय का प्रयोग हुआ वो किया था साइमन कुजनेट्स ने। किसने किया था, साइमन कुजनेट्स ने, ठीक है ना। कब किया था, 1934 में, 1934 में, ठीक है ना, ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने के लिए एक राष्ट्रीय आय अनुमान, राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ 1949 में। कब हुआ, 1949 में, किसका गठन हुआ, राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति का, ठीक है ना, गठन हुआ 1949 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पीसी महालनोबिस, जिसको हम बोलते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है ना। ये जो प्रशांत चंद्र महालनोबिस है, ये हमारी जो पंचवर्षीय योजना है, जो 5-ईयर प्लान होता था, उसके जनक भी माने जाते हैं, ठीक है ना। इसके कुछ सलाहकार सदस्य भी थे, जिसमें एक तो थे हमारे साइमन कुजनेट्स, ठीक है ना, और एक और कोई बंदा था, ये दो सलाहकार सदस्य थे। तो ये कुछ फैक्ट है आपको याद रखने हैं। और एक चीज और फैक्ट की, के सीएसओ जो हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है ना, वो 1956 से कंटिन्यू लगातार राष्ट्रीय आय के अनुमान जो है वो प्रकाशित कर रहा है, ठीक है ना। ये कुछ फैक्ट आपको याद करने बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको बताया, एक एक नंबर में पूछे भी जा सकते हैं और आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के अंदर भी बन सकते हैं, ठीक है ना। यहां से अब चलते हैं अपन वापस नेशनल इनकम पर।
नेशनल इनकम क्या होती है, मैंने आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन बहुत से लोगों ने दी है, लेकिन सबसे मेन डेफिनेशन आपको इजी डेफिनेशन और अच्छी डेफिनेशन याद करनी है तो पीगू महोदय की याद कीजिए। पीगू ने कहा कि देश की वस्तुपरक आय का वह भाग जिसे मुद्रा में मापा जा सके, यानी उस आय को जो हम मनी के रूप में एक तरीके से मेजरमेंट कर सके, सिर्फ उसी को उन्होंने राष्ट्रीय आय माना। ठीक है ना, तो ये आप याद कर लीजिएगा। बाकी किसने क्या कहा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो मार्शल महोदय जो थे हमारे, उन मार्शल महोदय ने जो है वो कहा कि जो भौतिक और अभौतिक वस्तु का शुद्ध उत्पादन है वो कहलाता है राष्ट्रीय आय। कब? एक वर्ष में। ठीक है ना, और भौतिक यानी जो फिजिकली जिसे हम छू सकते हैं, और अभौतिक यानी कि सेवाएं। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। पीगू महोदय ने क्या कहा ये मैंने आपको बता ही दिया, उत्पादन को मुद्रा में मापनी मूल्य। ठीक है ना, यानी मुद्रा में मापा जा सके। फीसर ने कहा था कि उपभोग को आधार माना था, इन्होंने कहा था कि जो उपभोग किया जाता है उत्पादन का जो भाग, वही एक तरीके से राष्ट्रीय आय के अंदर मापा जाएगा। और जो कुजनेट्स, इसकी जो डेफिनेशन है वो आधुनिक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? आधुनिक मानी जाती है। ठीक है ना, क्या कहा इन्होंने कि उत्पादन जो है वो उत्पादन प्रणाली से, क्योंकि उत्पादन की एक प्रोडक्शन सिस्टम होता है, उस सिस्टम से अंतिम उपभोक्ताओं तक जो पहुंचता है वो कहलाती है, उसका योग कहलाता है नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। ठीक है ना, अंतिम उपभोक्ता यानी जो हम है, जो हम प्रयोग करते हैं उस वस्तुओं का। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है, ये डेफिनेशन सब लोगों ने दिए, इसमें से आपको कुछ डेफिनेशन एक या दो आप याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में पूछी जाए तो आप बता सकते हो। ठीक है ना, तो यहां तक चीजें हो गई। अब चलते हैं हम नेशनल इनकम, हमने इतनी पढ़ ली। अब नेशनल इनकम की इतनी बातें आपको सुनने के बाद इसकी कुछ विशेषताएं देखने को मिलेगी, वही विशेषताएं हम देखने वाले। इन विशेषताओं में आपको कुछ यूनिक चीजें भी देखने को मिलेगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली विशेषता है कि राष्ट्रीय आय का जो संबंध होता है वो एक देश की अर्थव्यवस्था से होता है। ठीक है ना, यानी एक देश की अर्थव्यवस्था से ही रिलेट करती है नेशनल इनकम, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है। संबंध जो होता है वो एक निश्चित अवधि से होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 1 अप्रैल से कितना होता है भारत में 31 मार्च। ठीक है ना, ये निश्चित अवधि हो गई। ठीक है ना, तो ये नेशनल इनकम जो है वो निश्चित अवधि से रिलेटेड होता है। संबंध जो होता है वो एक देश के निवासियों की आर्थिक क्रियाओं से होता है ना। देश के निवासी जो होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो अवधारणा थी सामान्य निवासी की अवधारणा, यानी जिन्हें देश की नागरिकता मिली हुई है उनकी जो आर्थिक क्रिया है वो सम्मिलित होती है। लेकिन वर्तमान में देश के निवासी हो या देश के निवासी नहीं हो, विदेशी निवासी हो, उनकी आर्थिक क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है ना, कैसे वो हम मेजरमेंट करेंगे जब देखेंगे। ठीक है ना, अब चलते हैं हम आगे। संबंध जो होता है वो उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से होता है। इसका मतलब ये है कि जो अनुत्पादक जो आर्थिक क्रियाएं है वो अनुत्पादक आर्थिक क्रिया इसमें सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है ना, यानी अगर मैं कोई उत्पादक कार्य कर रहा हूं तो उससे रिलेटेड जो इनकम है वही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होगी। अगर मैं फालतू के काम कर रहा हूं, उत्पादक कार्य नहीं है, तो वो वहां पर सम्मिलित नहीं होगी। ठीक है ना, संबंध जो है वो प्रवाहचर, ये आपको पता है कि राष्ट्रीय आय जो है वो प्रवाहचर, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये समयावधि यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक संबंध रखता है, तो क्या हो गया, समय की अवधि हो गई, यानी ये फ्लो वेरिएबल हो गया। गणना जो है वो प्रचलित बाजार कीमत पर ही, अभी मैंने आपको बता ही दिया, यानी जितना भी उत्पादन हुआ उस उत्पादन को आप योग कर लो, उस उत्पादन का मूल्य निकाल लो, किस पर, जो वर्तमान में कीमत चल रही है उस पर, प्रचलित बाजार कीमत यानी जो वर्तमान में चल रही है। ठीक है ना, उसके बाद गणना जो होती है वो देश की मुद्रा में, यानी हमारे देश की मुद्रा क्या है, हमारे देश की मुद्रा रुपये है, यानी रुपये में गणना होगी। ठीक है ना, गणना जो होती है वो शुद्ध मात्रा में होती है। शुद्ध मात्रा का मतलब जब भी आपके पास कोई कुल या सकल हो, ग्रॉस हो, तो उसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे किसको, डेप्रिसिएशन को। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी नेट क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है ना, गणना जो है वो वस्तु और सेवा के मूल्यों का योग, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जो भी वस्तु और सेवा होती है उसके मूल्यों का हम योग करते हैं। ठीक है ना, और कौन सी वस्तु का, अंतिम वस्तु और सेवा, यानी जो गणना है वो अंतिम वस्तु और सेवा का ही की जाती है, मध्यवर्ती वस्तु को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है ना, यहां तक आप समझ गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, अब हम देखेंगे मेन चीज जो है वो अब शुरू हो रही है। ठीक है ना, मेन चीज अब शुरू हो रही है जो आपको देखनी जरूरी है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। वैसे मैंने जो बताया उससे भी आते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले चलते हैं हम जीडीपी, है ना, सकल घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं। ठीक है ना, आज हम सकल घरेलू उत्पाद से रिलेटेड दो तीन एक तरीके से जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जो प्राइवेट इनकम होती है, निजी आय, या फिर जो व्यक्तिगत आय होती है, या फिर जो प्रति व्यक्ति आय होती है, वो भी देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम
सकल घरेलू उत्पाद से रिलेटेड दो तीन अवधारणाएं देख लेते हैं। सबसे पहली चीज आती है जीडीपी एमपी। यहाँ पे एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत पर, क्योंकि दो प्राइस पे हम नेशनल इनकम निकालेंगे, एक तो मार्केट प्राइस पर, एक फैक्टर कॉस्ट पर। कैसे निकलती है वो मैं बताने वाला हूं आपको। तो सबसे पहले चलते हैं हम जीडीपी एमपी। देखिए सकल, तो जीडीपी एमपी क्या होता है? तो जीडीपी एमपी एक देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो है वो जीडीपी एमपी यानी सकल घरेलू उत्पाद जो मार्केट प्राइस है उस पे कहलाता है। यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है एक देश में, यानी देश में का मतलब हो गया भौगोलिक सीमा, यानी भौगोलिक सीमा के अंदर यानी घरेलू सीमा जो लास्ट में हमने अवधारणा पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। देश के निवासी और विदेशी निवासी, अब यहाँ पे आ गया, देखिए देश के निवासी वो बोले जिनको नागरिकता मिली हुई है या फिर जो विदेशी कंपनियां या विदेशी निवासी जो हमारे देश में उत्पादन कर रहे हैं उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्यों का योग, यानी मध्यवर्ती वस्तु यहाँ शामिल नहीं होगी, अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्यों का योग जो होगा वो जीडीपी एमपी कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें एक चीज और शामिल होती है, जो अर्धनिर्मित जो भी भंडार में वृद्धि होती है वो भी इसमें सम्मिलित करते हैं हम। यहाँ पर इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पर जो एक्स होता है वो होता है निर्यात और जो एम होता है वो होता है आयात, यानी इसका जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है हमारा शुद्ध निर्यात। क्या कहलाता है? शुद्ध निर्यात, यानी शुद्ध निर्यात जुड़ जाए, ये जी मतलब सरकारी व्यय होता है, ठीक है ना, सरकारी व्यय जुड़ जाए, आई मतलब निवेश व्यय होता है, निवेश व्यय जुड़ जाए, और सी मतलब उपभोग होता है, उपभोग व्यय जुड़ जाए, यानी ये चारों चीजें जब जुड़ जाती है तो वो कहलाती है जीडीपी एमपी सकल घरेलू उत्पाद मार्केट प्राइस पर, ठीक है ना। इससे रिलेटेड एक और अवधारणा है जिसे हम एनडीपी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जी यानी ग्रोथ था, ये एन यानी शुद्ध है, ठीक है ना। अब शुद्ध निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको वहां बताया था शुद्ध निकालने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे सकल में से, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैंने लिख भी रखा है जीडीपी एमपी में से मूल्यह्रास को घटाते हैं, यानी जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा हमारा एनडीपी एमपी कहलाएगा, शुद्ध मात्रा पे गणना हो जाएगी, ठीक है ना। मूल्यह्रास क्या होता है वो भी आपको समझना जरूरी है। जो भी मरम्मत या रख रखाव जो टूट फूट होती है मशीनों में, उपकरणों में या फिर पूंजीगत वस्तुओं में, वो कहलाती है हमारी मूल्यह्रास, ठीक है ना। अब चलते हैं हम एनडीपी एफसी, इस अवधारणा को अच्छे से समझना। एनडीपी एफसी, अब देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस था, यहाँ पे भी मार्केट प्राइस था, एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट है, यानी साधन लागत पर, ठीक है ना। अब साधन लागत पर एनडीपी एफसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने एनडीपी एमपी निकाला है ना, इस एनडीपी एमपी में से हम अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और अनुदान जोड़ देंगे। ये दो चीजें जब हम कर देते हैं, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस और सब्सिडी को एड कर दें, तो वो कहलाता है हमारा एनडीपी एफसी, ठीक है ना। देखिए मैंने यहां लिख रखा है एनडीपी एमपी में से अप्रत्यक्ष कर घटाते हैं और अनुदान जो है वो जोड़ते हैं, यानी एनडीपी एमपी एनडीपी एमपी माइनस आईटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी यानी अनुदान, ठीक है ना, ये कहलाती है हमारी एनडीपी एफसी। तो इसी तरीके की कुछ और अवधारणाएं नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं लेके आऊंगा, जिसमें हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्राइवेट इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर्सनल इनकम और बहुत सारी जो भी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।